इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में समाजवादी पार्टी यूजन सभा के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजवादी पार्टी यूजन सभा के जिला अध्यक्ष हरिनाम यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताया गया। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है और पूंजीपतियों के साथ है, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। सपा नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया गया। सपा नेताओं ने ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। उन्नाव में दो बहनों की मौत के मामले में एफटीसी में मुकदमा चलाने का कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग सपा नेताओं ने की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार केंद्र की गलत नीतियों के कारण पूंजीपतियों को, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी अपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरीके से लगातार महंगाई डीजल पेट्रोल पे बढ़ रही है, गैस पर बढ़ रही है, आज सिलेंडर 1000 रुपया का सिलेंडर हो रहा है, डीजल और पेट्रोल आसमान के दाम छू रहे हैं, 100 रुपया में लमसम पेट्रोल जा रहा है, 82 रुपया में डीजल हो गया है, इस तरीके से आम जनता, आम जनमानस की कमर टूट गई है महंगाई से। कोरोना काल में लोगों को रोजगार नहीं मिला और ऊपर से केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों को ऊपर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर बोझ डाल रही है, आम जनता का जीना मुश्किल है। किसानों की जो हालत खराब है उससे जनता छुपी नहीं है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका खामियाजा केंद्र और राज्य की सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं कि जो डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही है, और इसको वापस ले। क्या पद, क्या नाम है? हरिनाम सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा हरदोई। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।